नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही जान लेनी चाहिए, बताएंगे आपको सिर्फ यहाँ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पीएम मोदी को इमोशनल चिट्ठी। ममता ने बता दिया अपना गोच तो गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। माधुरी के शो में कोरोना का कोहराम। वैक्सीनेशन के लिए कहाँ मिलेगी छुट्टी और ड्रग्स केस में एक्टर हिरासत में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी का जवाब देते हुए एक चिट्ठी लिखी है। इमरान खान ने अपनी चिट्ठी में एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा है। न्यूज एजेंसी ANI ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कहा है कि चिट्ठी में इमरान ने लिखा है कि दक्षिण एशिया में टिकाऊ शांति और स्थिरता भारत और पाकिस्तान के बीच के सभी मुद्दों को हल करने के लिए जरूरी है, विशेष तौर पर जम्मू और कश्मीर विवाद। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक इमरान खान ने 29 मार्च को पत्र में लिखा कि मैं पाकिस्तान दिवस पर बधाई देने वाले आपके पत्र के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि पाकिस्तान के लोग भी भारत सहित सभी पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण सहयोगी संबंध चाहते हैं। इमरान ने जोर देकर कहा कि रचनात्मक माहौल का निर्माण एक परिणाम वाले संवाद के लिए जरूरी है। अपने पत्र में उन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय लोगों के लिए शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तानी दिवस पर बधाई दी। हालांकि आपको ये भी बताते चलें कि भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से हर साल एक ऐसा पत्र पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नाम लिखा जाता है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले पाकिस्तान दिवस के मौके पर इमरान खान को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें लिखा था कि एक पड़ोसी देश के रूप में भारत पाकिस्तान के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों की इच्छा रखता है। इसके लिए भरोसे का वातावरण, आतंक और शत्रुता से रहित माहौल जरूरी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी और TMC ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खूब चुनाव प्रचार किया। राज्य की हॉट सीट बनी नंदीग्राम विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार किया। ममता बनर्जी जहां व्हीलचेयर पर बैठकर पदयात्रा पर निकली, वहीं शाह ने भी एक रोड शो में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहीं अपना गोत्र का खुलासा भी किया। उन्होंने कहा कि उनका वास्तविक गोत्र शांडिल्य है। दरअसल उन्होंने कहा कि मैंने एक मंदिर का दौरा किया था, जहां पुजारी ने मेरा गोत्र पूछा था, तो मैंने कहा था कि माँ, माटी और मानुष, ये मुझे मेरी त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वर मंदिर की याद दिलाता है, जहां मेरा गोत्र पुजारी ने पूछा था, लेकिन मैंने उसे जवाब दिया था कि मेरा गोत्र माँ, माटी और मानुष है, लेकिन वास्तव में मेरा गोत्र शांडिल्य है। वहीं से लेकर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं लिखता हूं, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव हारने के डर से गोत्र बताती हैं। ममता बनर्जी, अब आप मुझे बता दीजिए कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी शांडिल्य तो नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी का हारना अब तय है। मनोरंजन जगत इस वक्त कोरोना की चुनौतियों का सामना कर रहा है। कोविड के खतरे से पूरा एहतियात बरतते हुए कलाकार अपने प्रोजेक्ट शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बावजूद इसके आए दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी के कोविड पॉजिटिव होने की खबरें सामने आ ही जाती हैं। अब रियलिटी डांस शो डांस दीवाने के 18 क्रू मेंबर्स के कोविड पॉजिटिव पाए जाने की खबर सामने आई है। इस शो में सेलिब्रिटी माधुरी दीक्षित, तुषार कालिया, धर्मेश यलांदे बतौर जज नजर आते हैं और राघव जुयाल शो को होस्ट करते हैं। शो के मेकर्स द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक हमारे डांस शो दीवाने से जुड़े कुछ क्रू मेंबर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें तत्काल ही मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं और उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। सुरक्षा से जुड़े सभी सेफ्टी प्रोसीजर्स को ध्यान में रखा गया है और उस जगह को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है, जहां क्रू मेंबर्स एक दूसरे से मुलाकात किया करते थे। हम अपने क्रू मेंबर्स की सुरक्षा और सेहत को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और तय गाइडलाइंस के हिसाब से हम सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे। आपको बता दें कि मॉडल एक्टर करण जोटवानी के भी कोविड पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। करण ने खुद अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, जहां उन्होंने लिखा कि आज सुबह मुझमें कोविड-19 के लक्षण पाए गए। शरीर में दर्द हो रहा है, खांसी आ रही है और सिर में भी दर्द है। मेरी माँ अस्पताल में अपनी माँ का ख्याल रख रही है और मेरा भाई शहर से बाहर है। कोई ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं मिला है जहां टेस्ट करा सकूं। जल्द से जल्द मुझे कोविड और कुछ ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक वैक्सीनेशन कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को टीकाकरण के दिन छुट्टी मिलने का निर्देश दिया गया है। वैक्सीनेशन के लिए प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भी छुट्टी देने की बात कही गई है। इस बयान में ये भी कहा गया है कि अफसरों को निर्देश है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निगरानी समितियों को पूरी तरह सक्रिय किया जाए। डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं और स्थानीय
स्थानीय स्तर पर आकलन करते हुए कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है जो किसी भी बीमारी से संक्रमित नहीं है। आपको बता दें कि 1 मार्च से जब कोविड वैक्सीनेशन में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को शामिल किया गया था तो उनके साथ उन लोगों को भी शामिल किया गया था जो कि 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं लेकिन 2 बीमारियों से ग्रसित है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश भर में 1 अप्रैल से उन लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी जो 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं लेकिन किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं है। और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है। बिग बॉस फेम एक्टर एजाज खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने ड्रग्स केस में हिरासत में लिया है। एजाज खान राजस्थान से मुंबई लौटे, इसके बाद एनसीबी ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एजाज खान पर आरोप है कि वो बटाटा गैंग का हिस्सा है। एनसीबी की टीम एजाज खान के अंधेरी और लोखंडवाला के कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। इससे पहले मुंबई के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब बटाटा को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि पहले साल 2018 में भी नवी मुंबई पुलिस ने ड्रग्स केस मामले में एक्टर को गिरफ्तार किया था। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो वो नशे में थे। उनके पास से 8 एक्सटेसी टैबलेट मिली थी जिसका वजन 2.3 ग्राम और कीमत 2.2 लाख रुपए थी। आपको बताते चले कि एजाज खान अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। एजाज खान पॉपुलर रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 7 में साथी कंटेस्टेंट्स के साथ मारपीट के बाद भी सुर्खियों में आए थे।